हाँ जी, गुड मॉर्निंग राधा स्वामी, नमस्कार सभी साथियों, और कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने ब्लॉग में। जिम पहुँच चुके हैं दोस्तों, करते हैं नए दिन की शुरुआत अपने जिम के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अपने जिम की दिन की शुरुआत जिम से करते हैं। जिधर मोहित चौधरी माई ब्रो यो बेबे, आज हमारे लेग्स का वर्कआउट है। चलो वर्कआउट लगाने के बाद आपसे मिलेंगे दोस्तों। लो जी, आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं सलालड़ी से रणजीत सिंह, अंकेश्वरपुर से मोहित चौधरी। अब देखेंगे कहां पे पहुंच गया कार्रवाई, क्या होने जा रहा है। आगे जी, हे हे। लो जी, टीम पूरी पहुंच चुकी है। रणजीत सिंह स्वागत है आपका। हाय लक्की, लक्की माय ब्रो। हेलो लक्की माय ब्रो। हेलो लक्की। हेलो लाली। हेलो जुगनू माय ब्रो। इधर जितेंद्र सिंह और ट्रेनर मिस्टर आशीष भैया ने ट्रेन बनाई। किसका लेटेस्ट है? दोबारा रिश्ते है क्या? ना नहीं भैया, एक बार ही यार ट्रेन में जहां मूल को बैठा। ना नहीं भैया, पता ही यार। अपना मोहित चौधरी पहुंच गया, आज तो जल्दी है क्या भाई? ओ पूरी टीम आ, तो खासे बंदे ले आ गए। खासे बंदे ले आ करते का साथ है? तो आ तो टीम पूरी ले आया। तगड़ा रिश्ता है भाई, पंचायत हो गई है। हां पूरी टीम ले आ तो बेटे। अच्छा ऊपर आए दे कहने। और ये अब रोड वर्गा सी पड़ा है इसका, अंडरटेकर वाला। अंडरटेकर वाला आ न्यू करा। मैं तो भूल गया था, मैं पसीना लग गया पुंजण न्यू करना, तो न्यू था मैं न्यू लग गया करना। हाँ क्या बात है, मर गए मर गए। हैं क्या होया? ए निखिल तो इन्हें तो कुछ नहीं कर। अच्छा बेइज्जती करा हुआ था, एनर्जी की नहीं आ रही। वहाँ एनर्जी कटा गया, खा का है ब्रेड है तो सिस्टम खराब कर रखा तुमने, सारे जिम का तने माहौल खराब कर रखे। एक बात है, चलो रणजीत मान ने इसकी बेइज्जती करी थी, इस बार ने गड्डी तो साफ है। बोले नाजी मार दिया कपड़ा, वहां नहीं लगे अभी भी। हेलो रणजीत, ये देखो भाई क्या लाया आज लल्ली? ओ भाई हैं दिखा टांगा चेक करा। लल्ली ने लैक्स लाया कहां से देखनी हां लल्ली गड्डा गोटा काला यार बहुत काला गोटा तेरे दिखाइए, दिखा दो या तो साइड का देखा था या तेरा देखा आज। ओहो कोच साहब, कोच साहब आप पूरे होंगे हुन। हाय हेमंत कोच साहब। हेलो कोच साहब, बैक मैचिंग के लिए कच्चा वीडियो टी-शर्ट। अरे भाई कोच नहीं, अगला ओनर है जिम का, मैचिंग तो करके चलनी पड़ेगी। लो जी टॉमी की कटिंग चल रही है, काफ़ी देर से मैंने बहुत बड़े बड़े बाल थे सारे कट कर दिए। टॉमी को भी मज़ा आ रहा है करवाते हुए, टॉमी पूरे मज़े से करवा रहा है। देखिए गुच्छे बन गए थे इसके बालों में ना, काफ़ी दिन से कंघी नहीं हुई तो इस वजह से गर्मी आ गई, तो मैंने सोचा चलो इसके बाल थोड़े छोटे कर देता हूँ, खुश रह गए। देखो कैसे कर रहा है, ठीक है बैठ रहे आराम से, ऐसे ही बैठ रहे। मज़ा आ रहा है जी पूरा, टॉमी को पूरे मजे से कटवा रहा है। तो लो जी दोस्तों, रेडी शेडी होके आज पटियाला का टूर है अपना, तो अभी निकल रहा हूँ दोस्तों पटियाला के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी से, अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है और इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही जी, पता नहीं इस बार गर्मी में क्या होने वाला है। तो नहीं हो चलो, हमने क्या ए सी गड्डी में तो दे रखी है, मालिक की कृपा है कि हम ए सी में घूमते हैं।
फिर भी गर्मी तो है ही है जी। तो दोस्तों आज का टूर अपना पटियाला का है, तो अभी चलते हैं पटियाला। दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। बीमर अपनी रेडी है, आप देख सकते हैं। चलो जी दोस्तों, सुबह से ऑफिस में बिजी था आज, इसलिए आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। पटियाला दो चार काम थे हेड ऑफिस में, अभी दोबारा जाना है, तो अभी बीच में ही जाना पड़ गया संगरूर। अभी यहाँ से पहले संगरूर जा रहा हूँ जी, संगरूर किसी से मिलना है, फ़ोन आया, तो अभी संगरूर के लिए निकल पड़ा हूँ। तो ये आर्मी एरिया से निकल रहे हैं हम अभी पटियाला में, जो आर्मी एरिया आपको दिखाता हूँ मैं। पटियाले का अपना आर्मी एरिया जी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा तकड़ा बेस कैंप है आर्मी का, अम्बाला की तरह। अम्बाला में बहुत बड़ा है और संगरूर में भी काफ़ी अच्छा है, आया हूँ मैं यहाँ पे पहले भी। तो पूरा आर्मी एरिया है यहाँ पे जी, बहुत ही अच्छा खूबसूरत आर्मी एरिया। वैसे भी जहाँ होता है खूबसूरती बहुत होती है, ग्रीनरी बहुत होती है, क्योंकि जंगल बहुत होते हैं, जगह पूरी खाली होती है, वहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं। तो चलो अभी संगरूर के लिए निकल पड़ा हूँ दोस्तों, मिलते हैं आपसे रास्ते में अगर कुछ खास होता है या वापसी में। चलो जी दोस्तों, पटियाला से संगरूर रोड पे रुका हूँ अभी, रोड सुनसान है, यहीं पे मिलना किसे, वेट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे किसी की, तो आ जाएंगे, तुमसे मुलाकात करनी है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, और हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा हाईवे है। लो जी, कैसे हो आप सभी लोग? तो अभी पापा ने ले लिया ट्यूशन से, थक गया तो बहुत, पापा 4 बजे का ट्यूशन पे गया। अच्छा ये किसकी